डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। AMS हाई स्कूल नर्सरी इंग्लिश मीडियम लेक्चर नंबर 15 ऑफ जनरल नॉलेज बुक हमारा आज का लेसन है। डियर स्टूडेंट, इस एक्टिविटी को हम पहले भी कर चुके हैं, हमारे आज लेक्चर में ये रिपीट हो रही है। आपको पहले भी करवाया गया कि मैच द डिजिट्स विद देयर डिजिट नेम्स, यानी कि नंबर्स को आपने इनके वर्ड्स के साथ मैच करना है। वन को ONE यानी स्पेलिंग के साथ, टू को TWO2 के साथ, थ्री को THREE, फोर को FOUR4, फाइव को FIVE5। इसके बाद है राइट द डिजिट नेम अंडर ईच, यानी यहाँ नंबर दिए, यहाँ आपने इनके ये वाले जो स्पेल हैं वो लिखने हैं। जैसे कि 5 के हैं ये, 3 के हैं ये, इस तरह आपने ऊपर भी और नीचे भी दोनों एक्टिविटीज़ को खुद मुकम्मल करना है। नेक्स्ट पेज डियर स्टूडेंट, नंबर 6 से अब हम इनको रीड करेंगे। 6 horses 6 घोड़े, 6 ducks 6 बतखें, 6 bags 6 बस्ते। डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 8 और 9 दोनों को आज के लेसन में इंक्लूड किया गया है, दोनों को अच्छी तरह से रीड करें, एक्टिविटी को मुकम्मल करें। आए अब हम अपनी आज की काउंटिंग को रीड करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी काउंटिंग को रीड करेंगे 0 to 19, तो मेरे साथ रीड करें। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 0 to 19 अपनी काउंटिंग को रीड करें, ऑरली याद करें, नंबर्स की पहचान करें। डियर स्टूडेंट, अब हम अपना आज का एच वर्क करेंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लिखेंगे 0 to 10। जैसा कि सिंगल सिंगल नंबर करके हमने पहले हर नंबर को लिखा है, अब हमने आज 0 to 10 कंप्लीट करनी है। आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में 0 to 10 है, आपको 0 to 10 अच्छी तरह से लिखनी आनी चाहिए। और यहाँ पे आपको 0 to 10 डॉट की मदद से सिखाई गई है, लेकिन आपने जल्द अज जल्द इसको विदाउट डॉट्स लिखना होगा। चले आए डियर स्टूडेंट, अब देखें 0 to 10 को। सबसे पहले आप 0 बनाएंगे ऐसे, 0 1। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 1 बॉक्स स्किप किया गया है। बॉक्सेस को इसलिए स्किप किया जाता है कि आपका वर्क नीटली और एक सीक्वेंस से किया हुआ नज़र आए। 3 4 के लिए एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, सेंटर में लाइन। 5 के लिए यहाँ से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड पे लाइन नीचे, और यहाँ से दाल बना के 5। 6 के लिए तिरछी लाइन, नीचे से इसको राउंड करके सर्कल कर दें ऐसे। 7 के लिए सीधी लाइन राइट साइड की तरफ ले जाएं और यहाँ से ऐसे थोड़ा सा तिरछा 7। 8 के लिए आपको पता है एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल ऐसे नीचे, आपके सर्कल इतने होने चाहिए कि बॉक्स से बाहर ना जाए। 9 के लिए सीधी लाइन और इसको लेफ्ट साइड की तरफ, जिस हाथ से आप लिखते नहीं हैं उस तरफ आपने इसको राउंड करना है, अगर इस तरफ करेंगे तो ये पी बन जाएगा। 10 के लिए पहले 1 फिर 0 1 0 10। इसी तरह से 0 to 10 को आपने दूसरी साइड पे जहाँ डॉट नज़र आ रही है यहाँ पे भी लिखना है, पूरे पेज पे अच्छी तरह से लिखना है। 0 to 10 को जल्द अज जल्द विदाउट डॉट लिखना शुरू करें। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।